आज हमारा दूसरा दिन बाड़ा गली में है और अभी हम अपने रूम से निकले हैं, तैयार वगैरह हो गए और अभी हम थोड़ी मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं। और इंतहाई अच्छा मौसम है, यहाँ पर बारिश हो रही है और पिंडी में भी सुना है कि बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पर ठंड है। हम जैकेट्स नहीं लेके आए, आप कह रहे होंगे कि ठंड है तो जैकेट भी नहीं पहनी हुई, तो हमें इंतज़ामिया ने कहा था कि आप जैकेट्स लेकर आए, लेकिन हमने कहा कि जी इतनी गर्मी है हमारे शहर में, तो वहाँ जाएंगे तो वहाँ कहाँ में इतनी कोई गर्मी लगेगी, ठंड लगेगी, तो हम कोई भी जैकेट नहीं लाए। लेकिन जब यहाँ पहुँचे शाम ढली तो उसके बाद जितनी ठंड हुई हम आपको बता नहीं सकते। उसके बाद फिर रात को बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई थी और उससे ठंड मज़ीद बढ़ी, और अभी सुबह जब हम उठे तो अभी भी ठंड है और मुझे भी ठंड भी लग रही है, लेकिन मैं फिर भी आपसे बातें भी कर रहा हूँ। और मेरे पास जैकेट भी नहीं है कि मैं जैकेट पहनता, क्योंकि मैं जैकेट लाया नहीं हूँ। और दूसरा ये मैं बताऊँ कि सुबह सुबह का मौसम यहाँ का एक खूबसूरत मौसम है, और जो परिंदे हैं उनकी चहचहाहट की आवाज़ें आपके कानों में जब पड़ती हैं तो एक खूबसूरत मंज़र आपकी आंखों के सामने से गुज़रता है। क्या खूबसूरत ये अदील साहब आगे जा रहे हैं। जी जी बताएं क्या मसला है। तो मैं आपको बता रहा था कि अभी हम थोड़ा मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, और सुबह की मॉर्निंग वॉक और यहाँ इस इलाके में गुड मॉर्निंग करने के बाद आपका जो दिल है वो अशाज बशाज हो जाती है आपकी तबीयत, और रात को काफ़ी थक चुके थे, अब उठे हैं तो फ्रेश फ्रेश महसूस कर रहे हैं। क्यों एहसान फ्रेश महसूस कर रहे हैं? नींद पूरी नहीं हुई। एहसान की नींद नहीं पूरी हुई क्योंकि ये दोपहर 12 बजे तक सोने वाले लोग हैं, हम तो जल्दी उठ जाते हैं, तो ये आज 7 बजे इनको 6 बजे हमने जगाया, तो अभी 7:30 का टाइम हो रहा है तकरीबन, तो अभी हम निकले हैं घर अपने रूम से। हमने कहा थोड़ा बैठ के नज़ारे भी कर लें और बैठ की जो ताज़ा हवा है सुबह की वो भी हासिल करें, और ताकि जो सेहत है वो भी अशाश बशाश रहे। और इसके बाद फिर हमने हमारे नाश्ते का सीन, इंतज़ामिया ने जो यहाँ पर इंतज़ामिया ने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया है, और दूसरा कि इतने अच्छे आप अच्छे आ रहे हैं, जैसे भी आएंगे आप अच्छे आएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, तो आपने आज का पूरा दिन हमारे साथ रहना है, हम पूरे दिन की सरगर्मियां आपके साथ आपको दिखाएंगे, कल भी हमने दिखाई, आज हमारा दूसरा दिन है बाड़ा गली में, ये भी सरगर्मियां हमें दिखाएंगे, हमें चंद टास्क भी मिले हुए हैं वो भी हमें मुकम्मल करने हैं, उनके भी मालूमात हम आपको देंगे। और दूसरा ये है कि आपको मैं यही कहूँगा कि एक मरतबा आप बाड़ा गली का चक्कर ज़रूर लगाएँ, क्योंकि ये यहाँ का मौसम बहुत अच्छा मौसम है, और इस माह में जो हाँ जून जुलाई अगस्त इसमें शदीद गर्मी होती है बाकी शहरों में, लेकिन यहाँ बाड़ा गली में एक अच्छा मौसम होता है जो आप इंजॉय कर सकते हैं। मैं भी एक चीज़ ऐड कर दूँ? जी जी करें, क्यों मैं रिमाइंड आपको, बंदर भी मिलेंगे। ओहो हो, बंदरों ने हमें जितना तंग किया है आपको बता नहीं सकते। सुबह 5 बजे बंदरों ने जो छत के ऊपर जो छलांगे लगाई है ना, उसके बाद नींद नहीं आई फिर, और बंदर यहाँ पर अगर आप बंदर को छेड़ेंगे भी नहीं तो वो आपको जो हाल करेंगे वो आप बेहतर जान सकते हैं, जब आप यहाँ आएँगे तो वो आपको फिर पता चलेगा। तो ये है कि आप हमारे साथ रहें, हम नाश्ते पे आपसे दोबारा मिलते हैं। अभी हम नाश्ता करने के बाद निकले हैं नथिया गली के लिए, और अभी कुछ देर में हमने पहले हाइक की और फिर हमने एक सुजुकी से जो है लिफ्ट ली, और फिर हम नथिया गली पहुंचे, और अभी हम नथिया गली में दाखिल हो चुके हैं, और यहाँ पर काफ़ी रश भी है और मौसम तो अच्छा है ही, धूप है लेकिन धूप उस तरह महसूस नहीं हो रही इस शदीद गर्मी के मौसम में, लेकिन मौसम बहुत अच्छा मौसम है। नथिया गली गए थे और नथिया गली से फिर हमने वापसी की, वापसी हमने गाड़ी पर की, गाड़ी वाले ने 800 रुपया लिया, और 800 से कम तो वो आ ही नहीं रहे थे यहाँ वापस बाड़ा गली तक,
क्योंकि बाकी जो 1500 ले रहे थे ये हम एक मिला तो इससे हमारी बात हुई तो इससे हमने थोड़ा दबाव डाला, हमने कहा यार इसको, हमने कहा तो 500 ही था लेकिन 500 पे तो कहाँ आते हैं जी, 800 रुपया उसने कहा फ़ाइनल है, इससे कम नहीं लूँगा। तो हम 7 लोग थे तो 800 हमने दिया और फिर हम अपने बारा गली के जो मकाम है अपना वापस पहुँचे। और अब आगे का हमारा ये प्रोग्राम है कि हमें जो टास्क मिले हैं वो हमें अब मुकम्मल करने हैं और आज ही शाम को 4-5 बजे तक हमारी वापसी है। अभी हम पूरा दिन गुजारने के बाद, यानी आज दूसरा दिन था हमारा बारा गली में ये गुजारने के बाद, अब हमने अपना सामान वगैरह उठा लिया है क्योंकि अब हमारा घर की तरफ सफ़र बांधना है और अभी हम अपनी गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। मेरे साथ जो मेरे ग्रुप के लोग हैं, टीम, वो पीछे खड़ी है। चलें जी, आए जी, जाइए, हम गाड़ियाँ इंतज़ार कर रही हैं। अभी हमारी गाड़ियाँ हमारे इंतज़ार कर रही हैं, अब हमने घर की तरफ सफ़र करना है। और आपको मैं ये बताऊँ कि यहाँ सफ़र करके दिल इंतहाई पुरसकून हो गया और पुरसकून माहौल था यहाँ का, जो माहौल है एक खामोशी है। सबसे अच्छी बात जो यहाँ की है वो ये है कि खामोशी, यहाँ आकर आपको बहुत सुकून मिलता है और पुरसकून माहौल है और आपकी तबीयत हशाश बशाश हो जाती है। और यहाँ आना चाहिए आपको एक मरतबा, आप जो लोग नहीं आए उनको एक मरतबा यहाँ का विज़िट करना चाहिए। इंतहाई खूबसूरत जगह है, पहाड़ हैं, दरख्त हैं, आपको एक तो जो है ऑक्सीजन बहुत अच्छी मिलती है और मयारी आपको खाने मिलेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आकर आप स्टे करें। लेकिन ये है कि आप यहाँ पर शदीद सर्दी में आप यहाँ आना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर बर्फ़बारी, शदीद बर्फ़बारी होती है जिसकी वजह से रास्ते बंद होते हैं, लैंड स्लाइडिंग होती है। तो वहाँ उस वक्त आना आपके लिए और यहाँ आकर घूमना और इस जगह को एक्सप्लोर करना मुश्किल है। लेकिन अगर आप गर्मी के माह में, यानी जून, जुलाई, अगस्त में आते हैं तो आप अच्छी तरह घूम भी सकते हैं और जगह को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप यहाँ के पुरसकून माहौल को भी अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है हमारा व्लॉग, आपसे अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।